सर जीरो नाम हम रखे थे रिचार्ज वाले भैया। आइए आपको मिलवाते हैं आज रिचार्ज वाले भैया, हमारे मदरौनी गांव के रिचार्ज वाले भैया। 30 सेकंड में कैसे बताते रेडी। नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है सभी का मेरे YouTube चैनल शिवे सिंह कोसी व्लॉग्स में। और बाढ़ क्षेत्र में किसका डिस्कशन करना है आपसे? आप कहोगे पॉज ले लेके क्यों बोलते हो, तो आज का जो डिस्कशन हमारा है वो है सूखा क्षेत्र मदरौनी के बारे में। जो हमारा मदरौनी गांव ये भागलपुर जिले में बिहार में पड़ता है, और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इलाका, ये भी मदरौनी का है। तो स्वागत है एक बार सभी का स्वागत है हमारे मदरौनी गांव में आप सभी का। और आपको हम बताएंगे कि किस तरह से चलती है हमारी जिंदगी बाढ़ में। ठीक है, आप देखो जरा, ये जो आपको पीछे का इलाका दिख रहा होगा, जो सामने आपको ये जलाशय जैसा दिख रहा है, ये पुरानी रेलवे लाइन है, ठीक है, जिसमें लोग रहते हैं। लेकिन आप देखोगे बगल में स्कूल है, ठीक है। तो ये लोकेशन ये है कि घरों के पास में एकदम फुली फ्लडेड है, वाटर पूरी तरह से पानी भरा हुआ है, लेकिन इसको बोला जाता है सूखा क्षेत्र मदरौनी बोला जाता है। अच्छा, आपको मैं एक बात बताता हूँ, यदि आपको पसंद आए और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों से शेयर करें हमारी बात, ताकि सुनी जा सके। सूखा क्षेत्र मदरौनी के सेक्शन में आज बात करेंगे हम, ऐसे आस्था की बात करेंगे। जैसे देखो, जब भी कभी हम कहीं मंदिर में पूजा पाठ करने जाते हैं तो एक बात सबसे महत्वपूर्ण होती है, वो है साफ सफाई, ठीक है। तो आप कहोगे कि इस साफ सफाई का लेना देना इस बाढ़ से क्या है, आपके मन में सवाल आएगा कि क्या साफ सफाई और अब क्या आप मंदिर बोल रहे हो। तो आप देखो जरा, ये तो इलाका पानी से भरा हुआ है ही, और आज का जो दिन है वो है 17 अक्टूबर 2022, और ये कार्तिक का महीना है। तो आप यदि इस आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो तो रेलवे लाइन में तो दिक्कत नहीं होगी, रोड हमारे यहाँ कनेक्टेड है, लेकिन जो गांव का एरिया होता है उस एरिया में, जैसे आप देखो ये सामने मकान है, और ये एक ऐसे व्यक्ति का मकान है जिनका घर 13 साल पहले कट गया था, और वो विस्थापित होके आम के बगीचे में रहते हैं। यदि आप सोचो कि जिनके घर के चारों तरफ, आप दिखाइए जरा, ये आप देखिए पीछे, इधर से आप देखोगे तो इनके घर के चारों तरफ पानी है, ठीक है। यदि यहाँ से कोई चाहे कि पूजा पाठ करने को मंदिर जाएंगे, तो बिना इस गंदे पानी को क्रॉस किए हुए जो है वो मंदिर में नहीं पहुंच सकते, ठीक है। आपको आगे की बात मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से इनके लिए जो हमारा मंदिर है, वैष्णवी माता का मंदिर, जिसकी झलकियाँ आपने शुरू में देखी होंगी, तो वो मैं दिखाता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति तैयार होके घर से मंदिर जाना चाहे, यहाँ रहने वाला व्यक्ति सूखा क्षेत्र मदरौनी में, तो वो किस तरह से जाएगा, किस तरह की परेशानियाँ होंगी, और क्या लगता है आपको इस गंदे पानी को क्रॉस करने के बाद हमारे मन की पवित्रता बरकरार रहेगी क्या, खास करके महिलाओं के केस में? तो आप देखें जरा, आइए फॉलो करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
फिनिश में निकल रहा है। बहुत गंदा पानी गिराने की वजह से पैर धोना पड़ता है। अच्छा पैर गंदा है अगले देख लो गंदा पानी से निकल लिए। कोई भी लेडीज जे अपना ई घर से निकलते मंदिर में पूजा करे ले जाए चाहते वहां से निकलला के बाद जैसे पैर धोते ओकरो बाद मंदिर जेते कंटा आबो हमरा से। मतलब कि पानी गंदा छे सब पूरा गंदा छे चारों बगल गंदगी फैलल छे। जब खुला फ्लो नहीं छे आ बांध हमरो गांव कटी गलो छे हमरो गांव बीच में कोसी छे तो गंदा पानी की एरिया में रहबे करते जब यहाँ आदमी घर छे सब गांव वाला सफाई के बारे में सोचते नहीं छे सब सपोर्ट भी नहीं करे छे। सफाई केना करबे भैया मतलब अपना आसपास में जे फैलावे छे मसने या सब के भैया पहले पूजा करिए ठीक सब कन ध्यान रखो जानवर। देखिए हम पैर धो के निकले मंदिर जाने के लिए ठीक है आप इमेजिन करो और फिर से हम आम के बगीचे में जैसे ही घुसते हैं उस घर से निकल के फिर से हम पानी में खड़े हैं। ये बाढ़ का पानी है भाई साहब बाढ़ का पानी है और हमारे खेतों में चौथी बार आया है। मदरौनी हमारे गांव में मोर देन 50% घरों में पानी है। आप सर्वे तो करो साहब सूखा क्षेत्र नहीं है लेकिन पहले हम आपको दिखाएंगे कि हम किस तरह से अपने वैष्णवी माता मंदिर में वहां के लोग आसपास के लोग और खास करके वो कैसे पहुंचते होंगे। आप देखो ये भी पानी है बगीचे में है और सामने आपको घर दिख रहे होंगे रेलवे लाइन पे लोगों के घर घरों के मतलब शौचालय जो हैं वो घरों के पीछे हैं तो वो वाला ये गंदा पानी है। आपको लगता है भाई साहब आप इस पानी को क्रॉस करके अपने मंदिर में जाओगे? नहीं देखते हैं फिर आगे देखते हैं और आइए जरा हम पानी क्रॉस करके जाएंगे। तो देख लिया आपने अब हम पानी से बाहर निकल चुके हैं गंदे पानी से बाहर निकल चुके हैं ठीक है और सामने आप देखो सामने आप देखो जरा ये हमारा नव निर्मित मतलब अभी जो है शुरू हुआ है वैष्णवी माता का मंदिर है अब बनवाया जा रहा है और यहाँ आप जानते हो ये स्थिति दशहरा के टाइम से दुर्गा पूजा के टाइम से ऐसी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है फिर भी हमसे कहा जाता है सूखा क्षेत्र मदरौनी ठीक है। तो आइए देखते हैं मंदिर के दर्शन करा दें आपको लास्ट में। दोबारा पैर धोना पड़ रहा है इस बार तो कैमरामैन भी पैर धोएगा लास्ट बार है ना मंदिर भी जाना है हम। तो जैसा कि आपने देखा हमारे मदरौनी गांव के ग्राम पंचायत भवन के पास हमने हाथ पैर धोए और अब जो है मान लो मतलब हमें तो पूजा करने जाना है सामने आप वैष्णवी माता मंदिर देख रहे हो ठीक है तो हमने हाथ पैर धोए हैं और आ जाइए अब आपको माता रानी के दर्शन कराते हैं फिर बाकी बातें बाद में होंगी। आइए टेम्पुओं का आवाज है। हाँ तो स्वागत है आप सभी का हमारे वैष्णवी माता मंदिर में। वैष्णवी माता की जय हो। वैष्णवी माता की जय हो। वैष्णवी माता की जय हो। आइए अब आपको जो है हम मंदिर में अंदर के दर्शन कराएंगे। आइए जरा कैमरामैन जाइए हो उसको
तो देखिए, हमने तो अपनी पूजा कर ली और आपको बता दिया हमने कि वहाँ से जिसके घर के चारों तरफ पानी है वो कैसे मंदिर तक पहुँचेगा, ये आपको निर्णय करना है। और आपको देखना है कि क्या मदरौनी सूखा क्षेत्र है भागलपुर ज़िले में, बिहार में। तो ऐसे ही आपको नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लाइक करें, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों से शेयर करें, और यदि वीडियो पर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।